सो कैसे हैं मेरे प्यार, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे मेरे प्यार। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का प्रवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे प्यार तो एग्जाम में बार बार आते हैं। आप लोग कहते हैं ना सर जी चैप्टर वन का निचोड़ दे दीजिए, ऐसा क्वेश्चन दीजिए ना जो एग्जाम में आता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं दीजिए सर जी। मेरे प्यार तो पूरा वही एक एक क्वेश्चन भाई साहब, अगर प्रकाश का प्रवर्तन से एक भी क्वेश्चन आएंगे ना तो इसी वीडियो से आएगा भाई साहब। तो आप लोग प्यार तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। चलिए प्यार तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन तो आपको बताएंगे भी प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, उससे पहले प्यार तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का प्रकाश की किरण एवं किरण पुंज, किरण पुंज बार बार पूछे गए हैं, प्रकाश के किरण नहीं पूछे गए हैं, फिर भी प्रश्न हम आपको बता देते हैं प्रकाश का किरण क्या है। तो देखिए प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। मान लिया प्रकाश और प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रकाश किस माध्यम करता है, सीधा रेखा में। तो प्रकाश जिस पथ पर गमन कर रही है, पथ का मतलब रोड में प्रश्न, तो उसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहेंगे। देखिए फिजिक्स है तो आपको समझते चलना होगा, रटिएगा नहीं। देखिए प्रश्न तो किरण पुंज, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किरण पुंज क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रश्न तो लिखिएगा किरण पुंज। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज हम लोग भाई साहब देहात में बोलते हैं धान का पुंज, देखें तो बहुत सारा धान रहता है, तो समूह के मतलब समझे प्रश्न, तो बहुत सारा चीज, जैसे अंगूर का गुच्छा एक समूह हुआ, स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो एक समूह में होते हैं, ठीक है, तो उसी को प्रश्न हम लोग क्या कहेंगे किरण पुंज। ये किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान दीजिए अभिसारी किरण पुंज, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जब किसी एक बिंदु पर अभिशून होती है, देखिए विभिन्न प्रश्न प्रकाश स्रोत से आ रही है और एक बिंदु पे आके रुक जाती है, अभिशून के मतलब एक बिंदु पर रुक जाती है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सिंपल है, डायग्राम से समझते चलेगा फिजिक्स को, ठीक है, रटना नहीं है। अब मेरे प्रश्न तो इसमें कुछ नहीं, एक बिंदु से प्रश्न तो एक बिंदु से अगर विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो उसे हम लोग अपसारी कहेंगे। कैसे लिखेंगे, जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के किरण विभिन्न दिशा में फैल जाए, कोई भी एक बिंदु है और वहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज, और विभिन्न दिशा से आने वाली प्रश्न तो एक बिंदु पर अभिशून हो जाएगी तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसका प्रश्न तो लास्ट यानी तीसरा नंबर है समानांतर किरण पुंज। तो जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरण समानांतर हो, समानांतर तो प्रश्न आपको पता ही होगा, ठीक है, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब आत्मदीप्त और अदीप्त पदार्थ क्या है, ये भी आता है, ठीक है जी। देखिए सेल्फ लुमिनस जिसमें प्रश्न तो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, बोलिएगा वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है, या इसी को परदीप्त भी बोलते हैं, याद रखिएगा दो नाम है मेरे प्यार। तो जैसे सूर्य तारे दीपक बल्ब इत्यादि, जिस भी पदार्थ से प्रकाश को उत्सर्जित होता है मेरे प्यार तो उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, और इसी के उल्टा हो जाएगा अदीप्त पदार्थ। देखिए नॉन ल्यूमिनियस वैसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, अवर्धित पदार्थ कहलाता है। जैसे ये पेंसिल दिख रहा है तो ये प्रश्न तो प्रकाश उत्सर्जित तो नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिख तो रहा है ना जी, तो ये अदीप पदार्थ हो जाएगा। इसका उदाहरण भी लिख लीजिए, बहुत सारा चीज है, ठीक है, लकड़ी कलम इत्यादि दो काफी है। देखें प्रश्न तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रावर्तन क्या है पहले ये जान लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले प्रश्न तो बताते हैं कि कोई भी प्रकाश अगर किसी पदार्थ पर पड़ता है ना तो वो तीन ही चीज़ होता है। जैसे ये मान लीजिए पदार्थ है, सिंपल समझिएगा, इस पर प्रकाश की किरण पड़ा है प्रश्न तो या तो इसके द्वारा प्रकाश की किरण को अवशोषण कर लिया जाएगा, या तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगा, या तो प्रश्न तो फिर लौटा देगा यानी टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगी, यही तीन घटना होता है। लेकिन बोर्ड के द्वारा प्रश्न तो आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रावर्तन क्या है, तो लिखिएगा जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना से प्रकाश का प्रश्न तो प्रावर्तन कहते हैं। सिंपल समझिए भाई साहब डायग्राम से कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है भाई साहब, ठीक, किसी वस्तु पर पड़ती है, मान लीजिए एक वस्तु इस पर पड़ती है और उससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रश्न तो प्रावर्तन कहते हैं। कहवे करता प्रावर्तन यानी लौटा देना, सिंपल समझ गए कि कोई पदार्थ है किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आती है और उस पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। देखिए प्रावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित एक अनियमित, लेकिन ये नहीं आएगा आपसे, प्रावर्तन के नियम आता है कि प्रावर्तन के नियम ऑब्जेक्टिव में कम से कम तो 10 बार पूछा गया होगा कि दो प्रकार के होते हैं। देखिए प्रावर्तन के नियम क्या है ये भी बता देते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी प्रावर्तक सतह से एक निश्चित नियमों के अनुसार प्रावर्तित होती है तो उसे प्रावर्तन का नियम कहते हैं। और देखिए प्रश्न तो ये आपको नहीं आएगा, ये आता है लिखने के लिए, ठीक है, प्रावर्तन के नियम को लिखिए,
ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अपरावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो टकरा के प्रस्तुत जा रही है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा लिखेगा कि किसी वर्ण के प्रकाश की किरणें के लिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए डायग्राम से इसको समझ गया भाई साहब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये है मेरे प्यार तो डायग्राम, यहाँ से देखिए आपतित किरणें हैं और ये टकरा कर परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये मेरे प्यार तो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये भी आप उतार लीजिएगा। देखिए एक ट्रिक देते हैं भाई साहब, इसमें प्रश्न तो कहाँ पे रहेगा वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वस्तु के लिए अगर कोई वस्तु में प्रश्न तो अनंत पर है तो उसका फोकस दूरी पर बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। कोई भी वस्तु में प्रश्न तो वक्रता त्रिज्या पे, तो वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। अब वाक्य मतलब समझ लीजिए, पहले अ से अनंत, अब से वक्रता त्रिज्या, ठीक है प्रश्न। देखिए वस्तु के लिए तो कोई भी वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसे कहाँ बनेगा प्रश्न, तो फोकस ऑफ वक्रता केंद्र, ठीक है। अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो उसका अनंत पे बनता है, ये ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। कोई वस्तु में प्रश्न तो ध्रुव पे है तो उसका फोकस यानी प्रतिबिंब प्रश्न तो ध्रुव पर ही बनेगा, और कोई वस्तु में प्रश्न तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका देखिए ये क्या है पता आपको, बताइए तो ये मेरे प्रश्न तो पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब रियल इमेज, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज। तो यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब प्रश्न सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा वाला नहीं लिखिएगा आप, ये लिख लीजिए, यह दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है प्रश्न तो ये है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों, ठीक है। क्वेश्चन होगा क्यों, ऐसा नहीं समझिए, यहाँ पे क्यों आपको लगाना होगा। एग्जाम में कई बार पूछे गए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है जी। अवतल दर्पण एवं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? देखिए अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस पर अभिसरित होती है, इस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। डायग्राम से समझ प्रश्न, हम क्या आपको बताया कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह, मान लीजिए एक छोटा सा अवतल दर्पण हम पाते हैं, इसका मुख अक्ष, तो मुख अक्ष बीच से होता है ना जी, चलिए तो मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद भाई साहब फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अब स्थिति मतलब फोकस पे पड़ती है, प्रश्न फोकस से होकर गुजरती है, इसी कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यही प्रश्न आपको सिंपल थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम प्रश्न की अवतल को तो कहते हैं, तो उत्तल को क्या कहते हैं, उत्तल को अपसारी कहते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पर मुख अक्ष के समानांतर, एक उत्तल दर्पण और उसके मुख अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, देखिए आपतित किरणें प्रश्न दर्पण से परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे दर्पण पे पड़ता है तो परावर्तन के बाद, परावर्तन अभी बताया ना, लौटा देना, और विभिन्न दिशा में फैल जाती है, और इस दिशाओं को प्रश्न देखिए मुख फोकस पर अपसरित होती है, अपसतत होते हैं, इसके डॉट लाइन से किए काल्पनिक रेखा से, ठीक है। इस कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। फिगर भी आपको साथ साथ ही बनाना है, फिगर जब ना बनाइएगा भाई साहब तो दो नंबर का आपका क्वेश्चन है तो एक ही नंबर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे के प्रश्न तो कि सर जी हम तो सब बना दिए थे फिर भी नहीं मेरा नंबर मिला, कैसे नहीं मिलेगा जी। इस बार मेरे प्रश्न तो एक बच्चा का मेरा 100 में 100 आया है साइंस पे, बताइए। हम तो 95 पिछला बार बोलते थे कि प्रश्न तो अगर आपको 95 लाना है तो हमारे साथ जुड़िए, लेकिन अब तो 95 में हमको शर्म लगता है, 100 में 100 लाया है मेरा खुद, मेरे प्रश्न तो 90+ नंबर है, और जबकि हम 7 साल पहले एग्जाम दिए इसी चीज़ को इसी नोट से पढ़ के, ठीक है। लेकिन हाँ फिगर के साथ लिखिएगा तब मेरे प्रश्न तो, ठीक है ना जी। चलिए और आप चाहते हैं कि सर जी सबका संपूर्ण नोट समय मिल जाए तो मेरे प्यार तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे द्वारा हाथ से बनाया गया नोट्स मेरे प्यार तो आप ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए प्यार तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्यार तो ये क्वेश्चन आता है ना कि गोलीय दर्पण में साबित करिए F=R/2, तो ये मेरे प्यार तो हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, इसको जब बोर्ड पे हम लाइव आएंगे ना तो आपको हम अच्छा से बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको समझाना रहता है, ऐसे आप देख सकते हैं एक बार, ठीक ना। अब इस पर समझाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बोर्ड पे प्रश्न तो जब पूरी चीज़ को लिखेंगे एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है, परावर्तन के नियम क्या क्या है बताए थे ना जी, ऐसे आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये पढ़े होंगे तो जरूर प्रश्न तो आपसे ये शॉर्ट में ही लिखा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखिए। काफी बार एग्जाम में आया कि अवतल और उत्तल का उपयोग लिखिए। तो देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपको आ जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित कौन है, तो सोलर कुकर में, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, ये हेडलाइट की बात कर रहे हैं, साइड मिरर पे तो उत्तल हो जाता है, ठीक है। देखिए तीसरा लिखिएगा हजामत दर्पण के रूप में, चौथा लिखिएगा रोगियों के नाक कान गले इत्यादि को जांच करने जो देखता है ना डॉक्टर भाई साहब उसमें, फिर सर्च लाइट में, फिर उसी प्रकार है उत्तल दर्पण का उपयोग, इसका तीन काफी है। गलियों में प्रस्तों, ठीक है गोलियों लिखा है, गलियों लिखिएगा, गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त करना, विस्तृत का मतलब होता है प्रस्तों कि छोटा जगह पे बड़ा प्रतिबिंब देखना, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में बाइक देखें तो बाइक में प्रस्तों जो आईना लगा रहता है वो क्या होता है छोटा, लेकिन पीछे आ रहे अन्य वाहनों को एकदम स्पष्ट पता चलता है, तो वही में प्रस्तों विस्तृत दृष्टि क्षेत्र हुआ। तो लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में, अवतल का प्रस्तों हेडलाइट में होता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद है कि उत्तल और अवतल में अंतर आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, इसका प्रावर्तक सतह उभरा रहता है, क्योंकि उत्तल का प्रश्न जब हम आपको पूरा क्लास जब चाहे पूरा पीडीएफ लिख लीजिएगा ना तो उसमें सब चीज़ बताया गया है कि ये उत्तल दर्पण किसका भाग है अवतल दर्पण किसका भाग है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बच्चे का प्रश्न अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि प्रश्न आप चैप्टर वन का बहुत सारा वीडियो देखिएगा तब जाकर कंप्लीट होगा, इसमें प्रश्न एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए नॉलेज के लिए तो पूरा पढ़िए और सिर्फ एग्जाम पास करना है तो ये भी वीडियो से काम चल जाएगा। देखिए इसका प्रावर्तक सतह उभरा रहता है उससे उत्तल उससे उभरा, इसका प्रावर्तक सतह धसा रहता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। आगे लिख लीजिएगा कि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, और ये तो बताए ही इसे अपसारी दर्पण और इसे अभिसारी दर्पण। अब ये देखिए भाई साहब एक ये भी इस पे पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांच नंबर में आता है, तो आपको अगर प्रश्न इसमें हम बताएंगे तो समझ जाइएगा जी, कमेंट करके बताइए कि यस सर अगर समझ जाएंगे तो समझ जाइएगा, तो प्रश्न हम नेक्स्ट बार इसी का सिर्फ एक वीडियो बना देंगे, समझ रहे हैं और नहीं तो इसको बोर्ड पे हम बताए थे पिछले बार भी और इस बार भी बताएंगे, तो इसके लिए बेस्ट तो आपको कुछ नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जैसे वीडियो आएगा आपके पास पता चला जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो पाँच नंबर में आता भी है मेरे बेस्ट तो, ठीक ना जी, इसीलिए बोले बोर्ड पर अच्छा रहता। देखिए बेस्ट तो दो क्वेश्चन और बचा है बस, पर आवर्धन क्या ये पूछा जाता है, इस ज़्यादा आपको पूछा गया है कि आवर्धन के एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। सबसे पहले तो यह याद कर लीजिए कि आवर्धन के एसआई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब बट्टा कौन प्रस्तु आवर्धन कहते हैं, इसे एम से सूचित किया जाता है, यदि वस्तु की ऊंचाई एच वन हो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच टू हो तो एम बराबर, इसीलिए एम बराबर एच टू बटा एच वन, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही प्रस्तुत आवर्धन कहते हैं, आवर्धन का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट करके छाप दीजिए क्या होगा, और वही चीज़ कहेंगे प्रस्तुत नोट्स और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना हमसे तो इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिए प्रस्तुत। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन है, तो ये प्रस्तुत हम लोग पिछले क्लास में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए वीवीआई किया हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ध्यान दीजिए अभी बताए थे आपको, उत्तल दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है, विस्तृत दृष्टि में तो कम में अधिक दिखता है, जिस कारण किसी वाहन के पीछे आ रहे अन्य वाहनों की स्थिति एवं गति स्पष्ट पता चलते रहता है। जो भी बच्चा बाइक चलाए होंगे या बाइक पे बैठे होंगे तो देखेंगे प्रस्तुत, अगर वो छोटा सा ही मिरर रहता है लेकिन पीछे आ रहे अन्य वाहनों की स्थिति गति स्पष्ट पता चलता है, कोई दम आ रहा है दम वो लहरिया मारते तो हम लोग क्या करते हैं साइड हो जाते हैं कि आप लोग भी लहरिया मारते हैं जी, जो बताइए। देखिए प्रस्तुत इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, तो ये मेरे प्रस्तुत रह गया चैप्टर वन का निचोड़, और इससे अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट प्रस्तुत और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, और सेकंड चैप्टर का अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जी प्रकाश का अपवर्तन के भी लाइए तो मेरे प्रस्तुत बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, बस आप लोग का क्या करना होगा एक प्यारा भरा सा कमेंट करना होगा कि सर जी जल्दी लाइए। मिलते हैं प्रस्तुत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।